सर मेरे पति ने, मेरे पति के साथ मेरा केस चल रहा था सोनू वर्मा के साथ 7 साल से। उसने मुझे पता चला उसने 9 तारीख को आर्य समाज से शादी कर ली है अंजलि राठौर के साथ में, जो घर के सामने ही रहती है। और क्या कहते हैं, जब मैंने अपनी, मेरा केस पहले से ही 7 साल से चल रहा है दहेज का, दहेज के लिए मुझे परेशान करते थे, अब जाके उन्होंने शादी कर ली है। जो भी किया है मेरे जेठ, मेरे पंकज, जो उनके भाई हैं, बड़े भाई पंकज वर्मा और अंजू वर्मा, उन्होंने ही करवाया है। बाप रामकरण वर्मा और उनके पिताजी जो हैं रामकरण वर्मा। और जब मुझे पता चला कि उन्होंने शादी कर ली है तो मैं SDM ऑफिस पहुंची, मुझे जानकारी मिली कि वो लड़की के साथ वहां उपस्थित होने वाले हैं, तो वो लोग वहां मुझे मारा पिट्टी करने लगे मेरे पापा के साथ, और मेरे ऊपर और मेरे पिताजी के ऊपर हमला किया कार से और दोनों भाइयों ने। और ये अभी 13 तारीख की बात है सर। इसके बाद आपने शिकायत दर्ज कराई थाने? हाँ सर, मैंने यूनिवर्सिटी का जो पुलिस स्टेशन, हाँ गोले के मंदिर और SP ऑफिस में भी मैंने आवेदन दिया था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितना समय हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को सर 7 साल हो चुके। शादी कितने दिन बाद से परेशान करने लगा? शादी के कुछ 6 महीने बाद मुझे परेशान करने लगे थे सर। क्या मुख्य मांगे थे? सर 5 लाख रुपए एक कार मांगते थे, मैं सहन करती रही, मम्मी पापा को भी बताया, लेकिन जब मैंने अपने मम्मी पापा को बुलवाया तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा के ऊपर भी हाथ उठाया, मारा पिट्टी की घर में बंद करके, और मेरा फोन वोन सब छीन लिया था, गाली गलौज करने लगे, मुझे मारते थे। और जब हम गोले के मंदिर थाने पहुंचे, वहां से उन्होंने महिला थाने पहुंचाया, तब जाके मेरी कार्रवाई हुई। अभी आपकी मुख्य समस्या क्या है यहाँ पर? सर अभी मेरी मुख्य समस्या है कि मेरे पापा के ऊपर मेरे ऊपर हमला किया, और क्या कहते हैं ना, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हूँ सर, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। जी सर, मुझे मारने की धमकी देते हैं सर, जान से मारने की धमकी देते हैं मुझे, मेरे पिताजी को। उस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई? अभी नहीं हुई सर। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी की ड्राई क्लीन की दुकान है सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।